सना खान है, इन्होंने बताया है कि कल रात को ये अपने कलीग के साथ घर जा रही थी। कलीग का नाम विवेक तिवारी है। तो सीएमएस गोमती नगर विस्तार के पास इनकी गाड़ी खड़ी हुई थी, तभी सामने से दो पुलिस वाले आए। इन्होंने बस निकलने की कोशिश की तो, और पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की तो अचानक से इनको ऐसा लगा जैसे कहीं पर गोली चली है। इसके बाद गाड़ी आगे जा करके एक खम्भे से टकरा गई और अंडरपास पर एक दीवार से टकरा गई और विवेक के सर से काफ़ी खून बहने लगा। इसने सना ने मदद मांगी और कुछ ही देर बाद पुलिस आई और उन सबको अस्पताल ले गई और उसके बाद सूचना प्राप्त हुई कि अस्पताल में इसकी मृत्यु हो गई विवेक की। इसमें मौके पर आला अधिकारी सभी अधिकारी वहां पर पहुंचे और घटना स्थल का मुआयना किया गया। इस पूरे प्रकरण में जो बात घटना स्थल से और प्रत्यक्षदर्शियों से निकल करके आई है कि जब वहां पर ये गाड़ी खड़ी थी और इनसे जब संदिग्ध कुछ गतिविधि वहां पर पुलिस को लगी, पुलिस ने जब पूछताछ की तो जो गाड़ी थी वो आगे चल के पुलिस की मोटरसाइकिल को हिट की है, जिससे उसकी मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई और पुलिस कर्मी भी वहां पर चोटिल हुए। जब गाड़ी फिर बैक हुई तो जैसा कि बताया गया है कि बैक होने के बाद जब फिर गाड़ी आगे बढ़ रही थी तो पुलिस कर्मी ने वहां पर जो कांस्टेबल है प्रशांत चौधरी, उसने एक फायर किया जो उसकी विंडशील्ड पे लगा है गाड़ी के, और विंडशील्ड को पार करते हुए अंदर चला गया। इसके बाद गाड़ी वहां पर बहुत तेज स्पीड से आगे को निकली, आगे चल के अंडरपास के पास एक खंभे पर टकराई। इस पूरे घटना में जो मृतक हैं, इनके मृत्यु जब गाड़ी टकराई है उसके बाद एक्सीडेंटल चोटों से हुई या बुलेट से हुई है, इसका सही जानकारी पोस्टमार्टम के बाद हो पाएगी। फिलहाल जो है जो सना है, इनके तहरीर के आधार पर अंतर्गत आईपीसी 302 मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों ही कांस्टेबल प्रशांत चौधरी और संदीप को हिरासत में ले लिया गया है और इनसे पूछताछ जारी है।